दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों के लिए कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक यदि किसी स्टूडेंट में कोविड या फिर कोई दूसरा स्टाफ कोविड से पॉजिटिव पाया जाता है तो उस एरिया को, उस कैंपस को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय स्कूल ले सकता है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखा गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों के लिए ये नियम जारी किया गया है। आपको बताएं, मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हम 20 अप्रैल को DDMA की अगली बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में विशेषज्ञ दिल्ली को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, इसमें हमें सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। वो कहते हैं कि महामारी के चलते 2 साल के अंतराल के बाद ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरह से फिर से शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर स्कूलों में संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कहा है कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। अगर किसी भी स्कूल में कोई कोविड का मामला सामने आता है तो तुरंत निदेशालय को जानकारी दी जाए। स्कूलों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ मास्क पहनेंगे, जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।